हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा की खेता सिंह बस्ती में मां बेटे पर हुए हमले के मामले को पुलिस ने सुलझाया, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। जंडियाला गुरु की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में पांच आरोपियों को धर दबोचा। 20 ग्राम हेरोइन, चाकू व अन्य तेज धार हथियार और तीन मोटरसाइकिल की बरामद। जालंधर के गुरु तेग बहादुर चौक के समीप लगे पान व बीड़ी के खोखे को निहंग सिंहों ने तोड़कर सामान को लगाई आग, पुलिस जांच में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा के खेता सिंह बस्ती में 10 और 11 दिसंबर की रात को मां और बेटे पर हुए हमले के मामले को पुलिस ने सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस हमले में मधु गोयल की मौत हो गई थी, जबकि मधु गोयल का बेटा विकास गोयल गंभीर घायल हो गया था, जिसका उपचार बठिंडा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SPD अजय गांधी ने बताया कि विकास गोयल की ओर से घर का निर्माण करवाया जा रहा था। इस दौरान चार नौजवान उसके घर में इस इच्छा से दाखिल हो गए कि वे लूट की वारदात को अंजाम दे सके। इस दौरान उक्त नौजवानों ने मधु गोयल और विकास गोयल पर हमला कर 25,000 रुपए की नकदी लूट कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जाँच कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में शामिल चौथे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। पकड़े गए तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जा रहा है, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके। मिति 10-11 दी दरमियानी रात नूं खेता सिंह बस्ती दे विच विकास गोयल अते उना दी माता मधु गोयल ते कुछ अणपछाते बंदिया ने अटैक किया सी। उना दे घर दे विच एंटर होके जिस तो बाद मधु गोयल जी की मौके पर डैथ हो गई तो विकास गोयल नू सीरीयस कंडीशन दे विच होस्पिटल एडमिट कराया। उस तो बाद साड़ी पुलिस टीम जिदे विच DSP डी साहब, DSP सिटी 2, इंचार्ज CIA 2, SHO थर्मल ते इंचार्ज स्पेशल स्टाफ ने सारे एविडेंसा नू लिंक करके ते बड़ी प्रोफेसनल तरीके दे नाल कड़ी मेहनत करके इस मर्डर नू ट्रेस किया, जिदे विच असी चार दोषी आइडेंटिफाई किए, जिन्हां चों तीन अरैसट हो गए ने। एक हरमन जड़ा है सीवियां पिंड दा, वो फड़न वाला रहिंदा है। वजह रंजिश आ सी कि इन्हां चारां ने योजना बनाई, विकास गोयल अपने घर दे विच एक कंस्ट्रक्शन करदा पिया है, नवें जिहड़े है वो कमरे बनांदा पिया है, तो उहदे कोल पैसे होने है, तो वजह ते उहदे लुट करन लई उहनां ते इन्हां ने अटैक किया सी। जंडियाला गुरु की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उसने विभिन्न मामलों में वांछित पांच आरोपियों को धर दबोचा। इस संबंधी जानकारी देते हुए SHO मुख्तियार सिंह ने बताया कि अमृतसर के SSP स्वपन शर्मा के निर्देशन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चौकी प्रभारी राजवीर सिंह ने 20 ग्राम हेरोइन सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पलासौर निवासी प्रभजीत सिंह और लवप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जिन्होंने आकाश नाम के युवक से हेरोइन खरीदी थी। फरार आरोपी आकाश को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। SHO ने आगे की जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा जंडियाला गुरु पुलिस ने लुटेरों को हथियार समेत पकड़ा है। उन्होंने कहा कि लुटेरों के पास से एक चाकू और अन्य तेज धार हथियार बरामद किए गए हैं। इन लुटेरों की पहचान गुरप्रीत मक्खू गुरजंट सिंह मुंडा और हरजिंदर सिंह निवासी गाँव वलीपुर के रूप में हुई है। इन आरोपियों के पास से चोरी की तीन मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। फिलहाल पकड़े गए पांचों आरोपियों का रिमांड हासिल कर गहनता से पूछताछ की जाएगी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ड्रग दियां लुटापवां चोरियां दियां जंडियाले दी उहदे संबंध साडा स्पैशल ऑपरेशन चलिया सी, जिहदे साडे DSP साहिब गुरबीर सिंह ने आए सीगे। इहदे विच असीं प्रभजोत सिंह डिंकू जैतो सरजा जी रंगन नंगल बटाले का मुंडा ते लवप्रीत पलासौर इन्हों को 20 ग्राम हैरोइन बरामद की है। साढ़े चौकी इंचार्ज जी असी आरपी लाल सके इन्हों तो अगर पुछगिछ तो आकाशदीप ने बालिया बंद मिलते जो काफ़ी समय तो कोई इन्होंने सेल उन्होंने नॉमीनेट किया गया। इन्होंने अच्छ रिमांड लैके तो पुछगिछ सा जारी आ। इन्हों की जिनी भी खरीदो फरोख्त आ कितों इन्हों की प्रॉपर्टी का वेरीफाई करके ਅਤੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੱਖੂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਬਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੀਸਰਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੀਪੁਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਰ ਗਏ। जालंधर के गुरु तेग बहादुर नगर चौक के समीप लंबे समय से पान और बीड़ी का खोखा चला रहे दुकानदारों में हुई तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। जीटीपी चौक के पास निहंग सिंगों ने तंबाकू और सिगरेट के लगे खोखों में तोड़फोड़ कर उनके सामान को जला दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित दुकानदार मुरारी और कांता प्रसाद ने बताया कि वह रोजाना की तरह अपनी दुकान पर बैठे थे कि इस दौरान वहां पर 5 से 6 निहंग उनकी दुकान पर आए और दुकान का सामान बाहर निकालकर जलाने लगे। कांता प्रसाद ने बताया कि वह पिछले 3 वर्षों से यहां पर खोखा लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वहीं पीड़ित ने रोते हुए बताया कि उसका इस घटना में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। वहीं इस मामले को लेकर मौके पर पहुंचे डीसीपी जगमोहन सिंह ने बताया कि कुछ शरारती लोगों द्वारा यह काम किया गया है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कुछ नहीं है सर, आज बस आए भाई, क्यों तोड़ फाड़ शुरू कर दी। नीली पाग वाले थे, कुछ नहीं बोले, कहते नशा मत बेचो। हाँ, नशा के बेचो, चा पानी का करो, फल लूट के करो। क्यों क्यों किया, ये नशा क्यों बेच रहे हो भाई? आए बस कुछ घास रहने दो, सब शरीर तोड़ दे, तोड़ के निकाल के सारे जलाना शुरू कर दिए। मैं तो सारे जी 45 साल हो गए। आपका कितना नुकसान कर दिया? मेरे नुकसान ने सारे सिरे तो बच्चे छोड़ ही नहीं। आपने उनको पूछा नहीं मेरा नुकसान हो गया? मैं कह तो रहा हूँ सर रहने दो, मेरे को माल रख देने दो। कहता तू फिर बेचेगा? नहीं बेचने दूंगा। क्या सिगरेट बेचते? हाँ जी। आपने तो नहीं, मेरा परिवार चलता है। मैं तो कह तो रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ, मैं तो ये हो गया, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। नहीं, कितने नुकसान हुआ? लगभग 70-80 हज़ार का है। कितने खोखे और जलाए कोई? और खोखे अब और जलाए होंगे सर, मेरे को नहीं पता। उन्होंने बीड़ियाँ लगा सारिया, कुछ शरारती अंसर है, जल्दी जरा चेक कर रहे हैं, जल्दी पता। इन वालों सर साढ़े के कोई दसा गया, इन्हें दसा गया कोई नीली पग अण पछाते व्यक्ति से लिबास से, योजे शरारती अंसर उन्होंने खिलाफ एक्शन लगा। बठिंडा के नज़दीकी गांव नरुआणा की दाना मंडी में एक नौजवान बेहोशी की हालत में मिला है, जिसे सहारा क्लब के कार्यकर्ता संदीप गिल की ओर से इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मौके पर संदीप गिल ने बताया कि उक्त नौजवान ने खुद माना है कि उसने चिट्टे का टीका लगाया है, जिसका अब सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। नौजवान ने बताया कि वह गाँव जय सिंह वाला का रहने वाला है। इस मौके पर डॉक्टर साहिल गुप्ता ने बताया कि उनके पास सहारा क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा बेहोशी की हालत में एक नौजवान को दाखिल करवाया गया है, जिसका इलाज चल रहा है और अब उसकी हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि उक्त नौजवान की ओर से नशे की ओवरडोज ली गई है। मेरा नाम संदीप सिंह, सहारा जन सेवा वर्कर, सहारा कंट्रोल नंबर 98-140-74-074 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਰੂਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਮੇਰਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰ, ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ ਅਜੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਆਲੂ ਕੀ ਫਸਲ प्राकृतिक प्रकोप के चलते खराब हो गई थी, लेकिन किसानों को मुआवजा ना मिलने पर किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। पर आप सरकार ने सत्ता में आते ही नाभा क्षेत्र के किसानों को खराब हुई फसल के नुकसान के लगभग 5.5 करोड़ रुपए की राशि किसानों को इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान की ओर से वितरित की गई। इस मौके पर विधायक देवमान ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि किसानों को खराब हुई फसल का मुआवजा दिया गया है। किसान भी सरकार के प्रयास से काफी खुश नजर आ रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट।
सब तो पहला नाभा विधानसभा 1328 किसान जिन्हां दी फसल खराब हुई है गिरदावरी के मुताबिक और 137 पिंडां दे विच 5,05,60,919 रुपये जिहड़े आ वो जारी कर दिए गए खाते च आ गए और संबंधित तहसीलदार साहब नूं SDM साहब मैडम नूं हदायत हो गई ने जी कि आ किसानां दे नां ने ते इन्हां नूं ये जिहड़ा पैसा है उन्होंने खाते दे विच पाया जाए। अज असी SDM दफ्तर नाभा दे विच किसान भरा सारे ने जी क्योंकि बहुत 1328 ने टोटल तो असी कोई 40-50 के आस पास जिहड़े नेड़े तेड़े सी उन्हां नूं स्नेह लाए ने क्योंकि काम कर दा टाइम है वो अज सारे इत्थे आए ने और लिखती रूप दे विच उन्हां नूं असी एक जारी किया जी ये जिदे विच दस्या गया कि सरकार वल्लों मुआवजा जिहड़ा दिता जा रहा और किहदे नाम ते फादर नाम नेम लिखा है ते वो पैसे जिहड़े उन्हां दे सीधे खाते दे विच पै जाणगे तहसीलदार साहब दे साइन होए तो मतलब कि इलैक्शन कोड लगन वाला सीगा जी ते उदों कांग्रेस सरकार वल्लों ये होया सीगा ते उन्हां ने गदावरियां करातियां तीआं बट मतलब कि कुछ दिता लिता कुछ नहीं सीगा ते आप पार्टी ने हुण जिहड़ा हैगा साथ दिता। हाँ जी ये देखो बहुत वधिया गल है ते बहुत वधिया गल है इन्हां ने जो सानूं दिता आ चाहे कुछ भी दिता पर बहुत वधिया दिता है ते नैक्सट टाइम भी असीं इस तरह की आस रखते हैं कि जे कोई किसी किसान नूं कोई नुकसान हुंदा है तां वो सरकार रिस्पोंसिबिलिटी लैण योग हैगी है। हाँ फिलहाल जो किया है बहुत वधिया किया है। सलारिया जन सेवा फाउंडेशन की ओर से लोकसभा क्षेत्र गुरदासपुर में बड़े स्तर पर नशा मुक्ति के लिए मुहिम शुरू की जा रही है जिसे फाउंडेशन के चेयरमैन स्वर्ण सलारिया ने यूथ एंगेज्ड ड्रग नाम दिया है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता के दौरान चेयरमैन स्वर्ण सलारिया ने यूथ एंगेज्ड ड्रग मुहिम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को इस मुहिम का शुभारंभ करने के लिए विशेष रूप से द व्हाइट मेडिकल कॉलेज में विश्व योग गुरु बाबा रामदेव सहित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बड़े स्तर के केंद्रीय मंत्री विशेष रूप से पहुँच रहे हैं जिसमें वह हेल्पलाइन का शुभारंभ करने के साथ ही मुहिम की शुरुआत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि नशा हमारे जिले और पंजाब में एक ऐसी बीमारी बनता जा रहा है जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इस क्षेत्र का निवासी होने के चलते वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आशीर्वाद से व नशे के खिलाफ अब व्यापक रूप से अभियान चलाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों पर अब तुरंत एक्शन होगा जिसमें पंजाब पठानकोट गुरदासपुर के SSP के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के SSP का भी साथ लिया जाएगा। वहीं हिमाचल में नई बनने वाली सरकार के मुख्यमंत्री से भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशे पर बातें तो बहुत होती हैं पर धरातल पर कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों की कमर तोड़ी जाएगी। इसके साथ ही नशा छोड़ने वालों का द व्हाइट मेडिकल कॉलेज में माहिर डॉक्टरों की निगरानी में निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। इस मुहिम में जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को राजनीति के साथ जोड़कर ना देखा जाए क्योंकि उनकी अपने लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे समझते हुए वह आने वाली पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए वे इस मुहिम का आरंभ विधिवत रूप से राज्य और केंद्र सरकार की मदद से करने जा रहे हैं। गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र के बाद वे इस मुहिम को आगे पंजाब के अन्य जिलों में भी लेकर जाएंगे ताकि युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। मैं स्वर्ण सलारिया चेयरमैन द व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पठानकोट बुंगल मैं मेरे सारे पंजाब दे परिवारों स्पेशली जेड़ा मेरा जन्म स्थान है गुरदासपुर बेनती करना कि नशा पूरी बुलंदी दे हैगा हर परिवार गरीब अमीर सारे अफेक्टेड ने इस बीमारी तो छुटकारा पाने वास्ते माननीय स्वामी रामदेव जी महाराज और हमारे सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय गजेंद्र जी शेखावत 18 तारीख को संडे 1 बजे व्हाइट मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप इस मुहिम का हिस्सा बनो और जो भी चीज़ आप स्वामी जी से पूछना चाहो बताने के लिए तैयार हैं और आपको सब कुछ बताएंगे कि नशे से दूर कैसे रहना है और कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है ताकि नशे से आप दूर रह सके।
बाकी कोई आदमी अगर ऐसा सोचता हो कि मैं नशे का व्यापारी हूं और मेरी बहुत पहुंच है, चाहे वो कोई भी हो, उठा के जेल में डाला जाएगा। और सबसे पहले हम गुरदासपुर लोकसभा, पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला से नशा खत्म करेंगे, उसके बाद इसी तरीके से पूरे पंजाब से नशा खत्म करेंगे। आप मेहरबानी करके इस मुहिम का हिस्सा बने, सरारिया धन सेवा फाउंडेशन का हिस्सा बने, ताकि ये जो बीमारी हमारे समाज को खत्म करती जा रही है, इससे अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को सेफ रखें। क्योंकि अगर हमारे बच्चे ही नहीं रहे तो ये बिजनेस है, घर बार सब किस काम का है। आप सब हर चीज से ऊपर उठो, पार्टीबाजी छोड़ो, आप अपनी पर्सनल एनिमिटी छोड़ो। ये मुहिम नशा मुक्त वाली जो हमने शुरू की है, यूथ अगेंस्ट ड्रग्स, इसका हिस्सा बनो और कसम खाओ कि जो 75 साल में नहीं हुआ अब उसका खात्मा होगा। वो क्या है? नशा। हमारा पहले गुरदासपुर नशा मुक्त होगा और उसके बाद डीएन पंजाब में नशे का होगा। भगवंत मान सरकार की ओर से गत दिनों पंजाब में पंजाबी भाषा को लागू करने और सरकारी तथा गैर सरकारी स्थानों पर लगे हुए बोर्डों पर पंजाबी लिखने के 21 फरवरी तक अल्टीमेटम जारी किए गए हैं, जिसका पंजाबी माँ बोली सत्कार कमेटी ने स्वागत किया है। इस मौके पर कमेटी के बाबा हरदीप सिंह महाराज ने कहा कि इससे पहले भी भगवंत मान पंजाबी माँ बोली को लागू करने के आदेश दे चुके हैं, अगर फिर भी अल्टीमेटम देने के बाद पंजाब में पंजाबी भाषा लागू नहीं की जाती तो पंजाबी माँ बोली प्रचार कमेटी की ओर से एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने पंजाबियों को अपील की है कि विवाह शादियों और भोग के कार्डों को पंजाबी में छपवाया जाए ताकि पंजाब की नई पीढ़ी पंजाबी भाषा के महत्व को समझ सके। वहीं पंजाबी माँ बोली सत्कार कमेटी के सदस्यों पर दर्ज हुए मामलों की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट हरपाल सिंह खेरा ने कहा कि दक्षिण भारत में राज्यों की ओर से उनकी भाषा को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन पंजाब में पंजाबी भाषा को बनता मान सम्मान नहीं दिया जाता, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि प्रमुखता के आधार पर पंजाब में पंजाबी बोली लागू की जाए। सरकार का जो भगवंत सिंह मान की सरकार ने ऐलान किया है, भगवंत सिंह मान ने, मुख्यमंत्री ने, वधिया गल आ, पर ऐलान कितने ऐलान ना रह जाने इस गल का सानू खदशा तो डर रहिंदा आ कि अगे हमेशा ही 75 साल 74 साल तो लैके ऐलान जिहड़े आ ऐलान ही रहिंदे रहे ने, उन्हां ते अमल नहीं होया। जे भगवंत मान सरकार जिहड़ी आ अज हुण मौके की सरकार अमल करदी इहदे ते लागू कर दी आ, तो असी समझते हाँ कि बहुत वधिया फैसला। पर वो लाण करन नालों जे किते लक्ष्मण सिंह गिल वांगू हुक्म कर दिंदा तो मेरा ख्याल इहदा रिजल्ट जिहड़ा बहुत छेती आ जाना सी लोकां ने, क्योंकि हुक्म नूं लोक मनदे ने, ऐलान नूं तां घट ही मनदे ने, पता ही आ वी ग्रांटां दे वी ऐलान किते जांदे, सब कहे दे ऐलान किते जांदे आ, ऐलान ऐलान रहि जांदे ने, ते जे हुक्म होया हुंदा ते हुक्म जिहड़ा आ नाल दी नाल ते अमल हो जांदा आ, जिवें कई सरकार हुक्म करदी आ ओह नाल दी नाल ही लागू हो जांदे ने। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से गत 9 दिसंबर को दल बल के साथ लतीफपुरा में पहुंचकर वहां रह रहे 80 घरों में रह रहे लोगों को बेघर कर दिया। इसके साथ ही उन लोगों द्वारा पाले गए पशुओं पर भी अत्याचार किया गया। लतीफपुरा निवासी एक बुजुर्ग द्वारा बच्चों की तरह पाली हुई एक गऊ पर भी डिच मशीन चल गई, जिस कारण उसकी कमर टूट गई। बच्चों की तरह पाली गऊ को अपने हाथों गाड़ी में डालकर अस्पताल भेजते हुए उक्त बुजुर्ग ने बताया कि वह 70 वर्षों से जगह पर रह रहा था। बिना किसी सूचना देने के बगैर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा उन पर अत्याचार करते हुए उन्हें घर से बेघर कर दिया गया और अब वे सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से एक संस्था के साथ संपर्क किया गया था कि उनकी गऊ को ठीक किया जाए, जिस पर गौशाला की संस्था ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनकी गऊ को ठीक कर जल्द ही उन्हें दे दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समाज सेवक अमित तनेजा ने बताया कि उनके साथ लतीफपुरा के बुजुर्ग तरसेम सिंह ने संपर्क किया था। उनकी ओर से गौशाला के साथ संपर्क कर उक्त बुजुर्ग की गऊ को लतीफपुरा से ले जाकर गौशाला में उसका इलाज किया जाएगा और गौधन के ठीक होने के बाद उन्हें वापस सौंप दिया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इन्हें आपस में ना मेरे पाए होंगे, इन्हों नावों का पता सी सारा, मैं क्यों इन्होंने
डिपार्टमेंट नक्शों में भी मैं हैगा। जब प्रूवमन टैसट 1972 आई तो मैं उस तो पहलों 25-30 साल का जन्म मेरा इतने का होया है। 1967-68 मैं इतने अठवीं की है तो ये घर मेरे नाँ से प्रूवमन टैसट के कागजा भी मेरे नाँ के उत्ते भी मरले च घर है। उदों का 1987-88 मेरा टैक्स दिता, 68 मेरे नाम बच्ची लगी तो इतने का मैं संदाव शुरू तो रहा। देखो जी पहले तो पुलिस अफसर ने साढ़े न लड़ाई करके तो सू गाली गलोज करता रहा, कोई टाइम तो उन्हें खराब कर दिता। उस तो बाद थोड़ा जा समान असी क्ढन लग पे, पशु बाद च क्ढन लगे। जो पशु क्ढन लगे इन्होंने डिश मशीन चला दियाँ, एक गां चपेट वजी उन्हू सट लग गई। मेरा 15-20 बोरियां वंडा भी थले आ, मेरा 40% समान भी जरा हेठा ही दबिया गया, मैनू कोई समान का क्ढन का मौका नहीं दिता गया। इन्हों का जरा वड्डा अफसर है उस वे कोल सीगा जिस वे मशीन नू डिश वजी है। मेरे को जी 4 पशु सीगे, बच्चे बच्चे भी सीगे उन्होंने नाल। हाँ जी देखो जेड़े बच्चे जेड़े जानवर अंदरों ना कटे उन्होंने बाहर कट के इन पबलिक लिया सौखा नहीं है। ये सीधा सीधा एक धार्मिक भावनावां ठेस पहुंचाने का मामला, ये इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से इन्दे वास्ते मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गऊ नू हिंदू धर्म च भी सिख धर्म च भी माँ का दर्जा प्राप्त है, साड़ी आस्था जुड़ी है। जो इत्थे दे लोकल रेजिडेंट दस रहे हैं कि गऊ माता नू डिच मारी गई है, उन्दे लत्त ते कमर ते काफ़ी सट्टां सीगियां, उह 3 दिन तो उठ नहीं पा रही सी। अज असी मैनू पता लग्या सी कल किसी ने कि गऊ माता बड़ी बीमार है, पहले सवेरे आके उन्दे चारे दा इंतजाम किया। उस तो बाद असी गऊशाला कमेटी डॉक्टर्स नाल गल की है, असी डॉक्टर्स कॉल किए हैं, थोड़ी देर लिए खड़ी हुई है, असी इन्होंने होस्पिटलाइज करन जा रहे हैं। 5-7-10 दिन बाद जो स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, इन्हें मालकों को वापस करांगे। संगरूर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने चंगाल गांव के किसानों ने आवारा पशु लाकर हल्ला बोल दिया, क्योंकि आवारा पशुओं का कोई समाधान नहीं निकला, जिसके चलते उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के सामने आवारा पशुओं को छोड़ा। इस दौरान किसानों ने 4 ट्रैक्टर ट्रालियों में लगभग 40 से अधिक आवारा पशु लेकर यहां पहुंचे थे। किसानों का कहना था कि सरकार उनसे टैक्स लेती है लेकिन आवारा पशुओं का कोई समाधान नहीं कर रही। आवारा पशुओं के कारण उनकी फसलें खराब होती हैं और सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गौशाला में पशु लेकर जाते हैं तो वे वहां रखने से मना कर देते हैं, वहां पर भी बिजनेस होता है, सिर्फ दूध देने वाले दुधारू पशु ही वहां रखे जाते हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। डंगरता जी कारण यह है कि साडा फसलों का बहुत नुकसान करते हैं, एक है साडे सड़कों पर घूमते फिरते रहे, हादसे बहुत करा रहे हैं अज की घड़ी, भी इन्हों का कोई मतलब हल किया जाए, अभी इस करके मतलब आएंगे लेके डीसी दफ्तर जी। सानू कोई सीधा कोई गौशाले च तरहाउंदा नहीं है, इन्हां राही असीं तार सकदेंगे। सानू हरेक बंदा मतलब कहिंदा भी असीं की करिए इन्हां नूं, पर असीं भी की करिए इन्हां नूं, मतलब जदों साडा नुकसान करदे ने। कई तां इन्हां ने मतलब एक्सीडेंट कराते बहुत ज्यादा नुकसान तां जी हुंदा है, इक तां इन्हां ने एक्सीडेंट बहुत करा रहे ने, गे सड़कां ते बहिंदे ने, रात नूं भी बहिंदे ने, दिन नूं भी बहिंदे ने। ते रही गल की इह साडियां फसलां रात नूं असीं कित्थों कित्थों मोड़ांगे, रात नूं रखणे पैंदे ने इन्हां दे, फसलों का नुकसान कर रहे हैं, गिल्लियां फसलां नेगियां साडियां कणकां रमाईयां होणगियां, उहदे करके साडा बहुत ज़्यादा नुकसान है। सरकार नूं असीं गऊ सस दे रहे हैं, जदों इन्हां दी सांभ संभाल सरकार दा फर्ज़ बणदा भी सांभणदा। अमृतसर में मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारियों के क्षेत्र में देश भर में विख्यात एलन करियर इंस्टीट्यूट अब अमृतसर में क्लासरूम कोचिंग देगा। पंजाब की आर्थिक राजधानी और पवित्र शहर अमृतसर में स्टडी सेंटर की शुरुआत की घोषणा व उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर एलन करियर इंस्टीट्यूट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट CR चौधरी, एलन चंडीगढ़ के सेंटर हेड सदानंद पानी और सीनियर फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहे। इस दौरान उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए CR चौधरी ने कहा कि एलन इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में बीते 10 वर्षों से सेवाएं दे रहा है। इन 10 वर्षों में न केवल विद्यार्थियों का विश्वास जीता है बल्कि उनके साथ साथ अभिभावकों का भी विश्वास जीता है और बहुत से परिणाम भी दिए हैं।
उन्होंने कहा कि अमृतसर के छात्र इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के छात्रों को बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है। यदि अमृतसर में ही स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट्स का मार्गदर्शन मिलता है तो उनका प्रदर्शन और बेहतर होगा। इन सभी बातों को देखते हुए एलन द्वारा यहाँ शुरुआत करने का निर्णय लिया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मायसेल्फ सीआर चौधरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर एलन। एलन का ये 44वां सेंटर हमने आज ओपन किया है और यहाँ पर जो एलन के तीनों कोर्स हैं यानी IIT मेडिकल और जूनियर डिवीजन जहाँ 6 से लेकर 10th क्लास तक की क्लासेज लगेगी। इनमें एडमिशन का प्रोसेस के लिए एलन एसेट जो अभी 25 दिसंबर को होगा और साथ ही साथ 15 जनवरी को जो मेनली एलन सार्प का एग्ज़ाम होगा जिससे आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हो और इवन कैश रिवॉर्ड भी ले सकते हो। तो ये हमने इसके एडमिशन की प्रक्रिया रखी है। टीचर्स सारे जो एलन के हैं वही यहाँ पर पढ़ाएंगे। जो एलन सिस्टम में तैयार हुए वही टीचर यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद में आके यहाँ पढ़ाएंगे और इस आगामी सत्र की शुरुआत है जो मार्च अप्रैल के अंदर होगी। मैं अमृतसर की नई बात बोल रहा हूँ कि हमने हमारे एलएन की पहली ब्रांच जो चंडीगढ़ में खोली थी उत्तर भारत के हिसाब से उसके 10 साल पूरे हो गए। तो कैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली अमृतसर जैसी जगह पर काम करना है वो एलएन के लिए बहुत आसान है। और नई बात ये है कि आजकल के बच्चों को जहाँ पर उसकी सक्सेस के साथ संस्कारों की भी ज़रूरत है उनमें एलएन सबसे आगे हैं और यही चीज़ हमें औरों से अलग बनाती है। और एलएन की जो खूबी है कि अच्छे टीचर्स से बच्चों को पढ़ाना वो स्पेशल यहाँ हमारा अमृतसर के अंदर रहेगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की कंपटीशन के अकॉर्डिंग चलेगी और साथ ही साथ ड्रॉपर भी यहाँ पर पढ़ सकेंगे जिसमें IIT और मेडिकल के होंगे और जूनियर क्लासेस के अंदर जो ओलंपियाड NTSC इस तरह की परीक्षाओं के लिए हम तैयारी करवाएंगे। फूड बाजार की ओर से गड़ा रोड पर स्थित रिलायंस मॉल में नई बेकरी का शुभारंभ किया गया जिसका शुभारंभ आए हुए गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर और केक काटकर किया गया। इस मौके पर बेकरी के मालिक ने बताया कि यह पंजाब की पहली तरह की लाइव बेकरी है जिसमें ग्राहक अपने सामान को बनता हुआ खुद देख सकेगा। उन्होंने बताया कि उनकी बेकरी में जो ब्रेड यूज की जाती है वह 100% आटे से बनी हुई है और जो भी कुकीज तैयार की जाती है वह प्योर मक्खन में तैयार की जाती है ना कि ऑयल में। ये बेकरी कम कैफे कॉफी डे है। यहाँ पर ग्राहक बैठकर कई प्रकार की कॉफीज का आनंद उठा सकते हैं। जालंधर से हलचल के लिए प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम दर्शक मेहता है। मैं मॉल मैनेजमेंट का हेड हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई जो हमारे साथ बहुत सालों से जो करण जी इन्वॉल्व हैं ऊपर हमारे फूड कोर्ट पूरे चलाते थे और इतनी बढ़िया काम किया है उन्होंने ऊपर और आज ये नीचे एक बेकरी कम कैफ़े चालू किया है। बहुत ही शानदार कैफ़े बनाया है। हमारे पास कम से कम मुझे लगता है 15 या 16 बेकरी जैसे हैं पूरे देश में, लेकिन जो माहौल यहाँ पे क्रिएट किया है और जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है मैंने मानता हूँ कि मैंने कहीं और टेस्ट किया है। तो बहुत बहुत मुबारक इन लोग को। आई एम श्योर दे विल कंटिन्यू टू डू द गुड जॉब दैट दे आर डूइंग एंड ऑल माय बेस्ट विशेस टू देम। जैसे फूड कोर्ट में शानदार मेंटेन किया है क्वालिटी, क्योंकि अभी मैं लंच वहीं करके आया हूँ तो मुझे मालूम है क्वालिटी वही की वही है, वही टाइप की बेकरी कम कैफ़े में वही मेंटेन करेंगे। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी, मैं राहुल। इस टाइम असी फूड बाज़ार बेकरी बाय फूड बाज़ार के खड़े हुए हैं जो कि रिलायंस मॉल के अंदर है, ग्राउंड फ्लोर से सुपर मार्केट के अंदर है जी। जेडे इतने प्रोडक्ट्स तुहानू जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उनके विच तुहानू फ्रैश ब्रैड मिलेगी, फ्रैश बेकरी आइटम्स ने, फ्रैश केक्स ने, ड्राई केक ने। इस तो अलावा जिहड़ी साडी USP हैगी है कि जिहड़ी यूनिवर्सल सैलिंग पॉइंट्स ने कि साडे कोल जिहड़ी ब्रैड्स है वो 100% आटा ब्रैड है, उहदे विच मैदा नहीं यूज़ हो रहा कोई भी। एंड इस तो अलावा जिन्नी भी कुकीज़ हैगियां सारियां ये साडियां बटर कुकीज़ ने
नॉर्मल ऑयल बेस्ड कुकीज नहीं नहीं एंड इस तो इलावा जिन्हें भी केक ने वो बटर तो बन रहे हैं। ये सर लाइव बेकरी है तो कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट नू अपने सामने देख सकता है क्योंकि हर कुछ जड़ा उन्होंने सामने ही बन रहा इस करके हाइजीन नू भी अटमोस्ट केयर ते रखा हुआ है प्रायोरिटी हैगी है हाइजीन भी। जालंधर के वार्ड नंबर 40 के अधीन आते न्यू दशमेश नगर की डिपू होल्डर सुखविंदर कौर ने जिला खाद्य एवं सप्लाई कंट्रोलर और खाद्य तथा सप्लाई विभाग जिला जालंधर को शिकायत देते हुए कहा कि उसके नाम पर एक डिपू FPS नंबर 10701-33311 है जिसमें 253 से अधिक नीले कार्ड लगे हुए हैं जिनकी एलोगेशन भी हो चुकी है तथा उन कार्ड धारकों को उनके प्रति कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन किसी राजनीतिक रंजिश के चलते उसके डिपो के सभी कार्ड काट दिए गए हैं। जब उसने ऑनलाइन चेक किया तो उसके डिपो के कार्डों की संख्या शून्य शो हो रही है। उसके डिपो पर 253 कार्ड धारकों में से किसी की भी सरकार द्वारा फ्री में दी जाने वाली गेहूं की पर्ची नहीं काटी जा सकती, जिस कारण सैकड़ों लोगों के साथ उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसने कहा कि यह सरासर गैर कानूनी है, इसलिए कृपया उन सबको इस परेशानी से बचाने के लिए अगर जरूरी हो तो दोबारा से एलोगेशन कर उनके डिपो के कार्ड पहले की तरह ही लगाए जाएं। सुखविंदर कौर ने सिविल सप्लाई अधिकारी से कहा कि वे जल्द ही उसकी इस अपील को स्वीकार करते हुए सभी डिपो होल्डर्स की तरह उसके डिपो के कार्ड धारकों को असुविधा से बचाएं ताकि सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से लोग वंचित ना रह सकें और गरीब परिवार किसी राजनीतिक रंजिश का शिकार होने से बच पाए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं। फिर की कारण की कारण अचानक हो गया कि जो ती पर्ची कटाने की ਇਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਘੱਟ ਪਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਡਿਪੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਕਾਰਡ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੋਂ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਰੋਹਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੋ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ जिसमें ट्रैक्टर ट्रालियों और अपने अपने वाहनों सहित बड़ी संख्या में सिख संगतों ने भाग लिया, तो वहीं सिख संगतों द्वारा जगह जगह स्वागती गेट लगाकर पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर इस नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। ये नगर कीर्तन अलग अलग गांवों से होते हुए गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में जाकर सम्पन्न हुआ। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। सिख पंथ के अंदर एक विशेष स्थान है इस महीने का। इस महीने के कलगीधर दशमेश पिता साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने धर्म की खातर और पंथ की खातर अपना सरबंस कुर्बान किया। इस महीने हर पिंड पिंड असी कथा करवाने और अमर संचार हों दस्तार मुकाबले होंगे ने। अज 9वें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह पवित्र अस्थान गुरद्वारा पातशाही 9वीं रोहटा साहब तो नगर कीर्तन श्री फतेहगढ़ साहब के महान शहीद धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन माता गुजरी जी लसानी साध नूं समर्पित वखरे वखरे पिंडां दे हुंदा है नगर कीर्तन फतेहगढ़ साहिब के संपूर्ण होएगा। असीं सारे इलाका निवासी परमात्मा का दिलों बहुत धन्यवाद करते हैं। सरदार टौड़ा साहब की अगुवाई हेठ हर साल नगर कीर्तन जाता है, अज भी जा रहा है, अगे नूं भी जाता रहे। परमात्मा मूहरे असीं इही अरदास करते हैं रस्ते दे विच कोई परमात्मा सानूं बिघन ना पावे, सुखी शांति जाइए, सुखी शांति दे घरे आइए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कोड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की,
जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया चंद्र, कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। जीते उत्ते मान होवे उसे नू ही कईदा, उसे नू ही कईदा। जीते उत्ते मान होवे उसे नू ही कईदा, जीते उत्ते मान होवे उसे नू ही कईदा। बुहा एरे केरे दाते मलके नी पईदा, बुहा एरे केरे दाते मलके नी पईदा, मलके नी पईदा। कित्ती बेंती ये दोवे हाथ जोड़ मां, जोड़ मां हुन को जाने तेरा कम जाने। हर्षोल्लास में मनवा तेरा, नमो नमो शिव गाएगा। मणि महेश के कर दर्शन, भव सागर से तर जाएगा। गिनिया ने मेरा होया लखा मेहरबानियां, गिनिया ने मेरा होया लखा मेहरबानियां, गिनिया ने मेरा होया लखा मेहरबानियां, गिनिया ने मेरा होया लखा मेहरबानियां। मैं गिनाया भी नहीं जानिया, और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा की खेता सिंह बस्ती में मां बेटे पर हुए हमले के मामले को पुलिस ने सुलझाया, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। जंडियाला गुरु की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में पांच आरोपियों को धर दबोचा। 20 ग्राम हेरोइन, चाकू व अन्य तेज धार हथियार और तीन मोटरसाइकिल की बरामद। जालंधर के गुरु तेग बहादुर चौक के समीप लगे पान व बीड़ी के खोखे को निहंग सिंहों ने तोड़कर सामान को लगाई आग, पुलिस जांच में जुटी। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।